तो यार इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाहता हूँ, उन स्टूडेंट्स के साथ कुछ बात को शेयर करना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं बट उनके जो एग्ज़ामिनेशन है वो किन्हीं भी रीज़न से, वो कोई भी रीज़न हो सकता है उन्होंने साल भर पढ़ाई ना की हो सकता है उन्होंने ज़्यादा अपना रिविज़न पर ध्यान ना दिया हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है उनके यहाँ कोई भी घटना हो गई हो जिसके कारण वो अपने टाइम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और बोर्ड एग्जामिनेशन को उतना ध्यान नहीं दे पाए और उन्हें लगता है यार कहीं ना कहीं अब हमारे मार्क्स जो आएंगे वो घटिया आएंगे या जो हमारे मार्क्स हैं वो कम आ जाएंगे या जो हमारे सोसाइटी का प्रेशर है इतने मार्क्स लाने थे लेकिन अब कहीं ना कहीं वो मार्क्स ज़रूर कम हो जाएंगे। सो गाइस देखिए, मार्क्स एक हद तक वैल्यू रखते हैं लेकिन मार्क्स को आप आजकल सोसाइटी में ये क्रेज़ आ गया कि अगर मार्क्स हैं तो ही सब कुछ, अगर मार्क्स नहीं है तो सब कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगा या ढेर सारे YouTube पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्होंने मार्क्स, जिनके पास मार्क्स ना होते हुए उन्होंने ग्रेट काम किए, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि नॉर्मल मार्क्स वाले लोग नहीं कर पाए और ढेर सारे मार्क्स। गाइस कहने का मोटिव यह है, कहने का इरादा केवल इतना ही है कि हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाए, हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका प्रदर्शन घटिया हो जाए, हो सकता है आप पासिंग मार्क्स से पास हो लेकिन आपको अपनी होप नहीं ड्रॉप करनी है, आपको अपनी होप के साथ चलना है, आपको अपने आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपने विजन पर वर्क करना है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस पर वर्क करना है, हिम्मत रखनी है। हो सकता है मार्क्स आपके लिए उस फील्ड में जाने के लिए वैल्यूएबल हो लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं कि किस तरह से अगर मार्क्स नहीं है तो भी हो सकता है किसी रीज़न से। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने साल भर जानबूझकर पढ़ाई ना की हो और वो अब कह रहे हैं कि मार्क्स कम है तो कुछ नहीं हो सकता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने किसी भी रीज़न से उनके मार्क्स कम हो गए हैं, किसी मजबूरी के चलते उनके मार्क्स कम हो गए हैं और अब वो शायद परेशान हों या उन्हें कुछ दिक्कत हो जिसके कारण। सो गाइस मार्क्स से कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूँ आप नहीं मानोगे कि मार्क्स एक हद तक वैल्यू रखते हैं लेकिन मार्क्स इतनी भी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं जितना आजकल सोसाइटी ने बना दिया है मार्क्स की इंपॉर्टेंस को। लेकिन मार्क्स नहीं होंगे या मार्क्स एवरेज होंगे या मार्क्स कम होंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो ज़रूर आपके परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड पर फ़र्क पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट पर फ़र्क पड़ेगा, आपकी होप पर फ़र्क पड़ेगा और आपके पूरे जो विज़न है आपका, जो आपका प्लान है फ्यूचर का, उस पर हो ज़रूर असर पड़ सकता है। सो गाइस ये मत कीजिए, मार्क्स पेपर चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम जितने भी पेपर रह गए हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, जितना हो सकता है उतनी प्रिपरेशन करें। कहने का मतलब है मैं 24 घंटे में से 18 घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना करें और अपने मार्क्स को अच्छा करें, नहीं अच्छे हैं तो भी आपके लिए ढेर सारे रास्ते हैं, परेशान ना हो, मिसगाइड ना हो, दिक्कत ना हो, सलाह लें, पेरेंट्स से बात करें और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएं। सो गाइस ये बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल्स के से जुड़ जाइए तो हमें सपोर्ट मिलेगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।